गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अब हरियाणा के अंदर पिछले एक साल से जो DLED स्पेशल जो कोर्स है आपका, जिसको हम लोग शॉर्ट में JBT भी बोलते हैं, वो पिछले साल से उसके एडमिशन नहीं हो पाए थे और उसका सारा का सारा मैटर जो है वो कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने क्या इसका ऑर्डर किया है और आगे JBT के DLED के एडमिशन का क्या स्टेटस रहेगा, उस सब रिलेटेड डिटेल में हम लोग क्या है वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप आउट ऑफ हरियाणा स्टूडेंट हैं और हरियाणा से आप चाहते हैं कि DLED या JBT आप की जाए, तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और उसके बाद आपको सारी जो डिटेल है वो एडमिशन से रिलेटेड बताई जाएगी। तो गाइस यहाँ पर अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा बैक में आपको लेके जाना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो DLED है, जो JBT है, उसको बंद क्यों किया गया था और सरकार का इसके प्रति क्या रवैया था। तो देखिएगा, इस पिछले काफ़ी टाइम से जो JBT बच्चे हैं, DLED जिन बच्चों ने किया है, तो उनकी जो वैकेंसी है वो नहीं निकल रही थी और जो गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि जो JBT या DLED जो स्टूडेंट है वो हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस है, तो इसीलिए जितने भी इससे रिलेटेड सेल्फ फाइनेंसिंग यानी कि प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर जो सरकारी जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, उन सभी कॉलेजेस के पास जो है इसको अब ना कराया जाए और इस कोर्स को क्या है वो बंद किया जाए। तो भाई इसी चीज़ को लेके जो प्राइवेट एसोसिएशन थी JBT DLED कॉलेजेस की, वो सारी की सारी एकजुट हुई और उन्होंने सरकार से भी काफ़ी गुहार लगाई कि भाई इस वाले कोर्स को दोबारा से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और काफ़ी टीचर्स भी है, तो ऐसे करके हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा और हमारे जो हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं वो बाहर के स्टेट में अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है JBT करने जा रहे हैं, DLED करने जा रहे हैं, जब हमारे स्टेट के अंदर इतने सारे कॉलेज हैं और इतने सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग उसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ करें। तो इसी चीज़ को लेके जो प्राइवेट एसोसिएशन थी वो पिछले एक साल से हाई कोर्ट में उन लोगों ने केस किया था कि हमारी जो मान्यता है वो दोबारा हमें दी जाए और दोबारा इसका ऑर्डर, क्योंकि इसका ऑर्डर हम लोगों को एडमिशन कराने का दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जब प्राइवेट जो एसोसिएशन है इस केस को जो लेके गई थी, वो उसका आधार ये था कि पूरे इंडिया के अंदर जो DLED और जो JBT का कोर्स है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो हरियाणा के साथ या हरियाणा के स्टूडेंट के साथ या उन कॉलेजेस के साथ जो दोगला व्यवहार है वो सरकार क्यों कर रही है। तो इसी पक्ष में जो है हाई कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ चल रही थी कि हमारे देश के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है स्टेट के अंदर, तो फिर हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं और हमारे कॉलेजेस को बंद क्यों किया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे पिछले साल 2022 में लास्ट एडमिशन हुए थे DLED के और 23 में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ, उसको जीरो सेशन घोषित किया गया। तो अब लास्ट मोमेंट पे पिछले वीक 2 या 3 तारीख को हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर एक जारी किया है कि जितने भी प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है वो दोबारा से अपने एडमिशन का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, यानी कि वो एडमिशन बच्चों का कर सकते हैं, और जो ये सारा का सारा जो प्रोसेस करती है यानी कि एडमिशन कौन कराती है हरियाणा के अंदर, जो अपनी SCERT HERT है वो सारा का सारा एडमिशन कराती है, तो उसको भी पत्र जारी किया है, उसको भी नोटिफिकेशन किया है कि जितना जल्दी हो सके 2024 के स्टूडेंट के लिए एडमिशन का पोर्टल ओपन किया जाए और दोबारा से बच्चों को DLED और JBT कराई जाए, जो बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने वाली है, जो फिलहाल जो गवर्नमेंट ने उसके लिए ये बोला कि प्राइवेट कॉलेज भरे ही DLED JBT करा दे, पर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम लोग JBT को नहीं कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं JBT के या फिर जो गवर्नमेंट से जो जिनको एड मिलती है, जो एडेड कॉलेज हैं, उनके पास फिलहाल अभी कोई भी इस प्रकार की जानकारी नहीं आई है और गवर्नमेंट में हाई कोर्ट में साफ ये टिप्पणी की है कि हम लोगों को इसकी मान्यता नहीं चाहिए और जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो एडेड कॉलेज है, वो JBT नहीं कराएंगे। तो इसी ऑर्डर को लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट गई और हरियाणा गवर्नमेंट वहाँ पर अपना पक्ष रखा कि हमारे पास जो JBT टीचर हैं वो ऑलरेडी सरप्लस हैं, तो इसीलिए हम इस कोर्स को बंद कर रहे हैं। बट जैसे ही हाई कोर्ट ने 1-1.5 साल की हीरिंग के बाद जो पूरा ऑर्डर अपना टाइप किया, उसमें स्पष्ट लिखा गया था
कि जब पूरे देश के अंदर जब अगर जेबीटी के डीएलएड के एडमिशन हो रहे हैं तो हरियाणा के स्टूडेंट को हम लोग इससे वंचित नहीं रह सकते। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा गवर्नमेंट को बोली कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने फैसला दिया है कि भाई जो बच्चे जेबीटी डीएलएड करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी जो इनकी मान्यता दोबारा से बहाल हुई है वो सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट कॉलेज के लिए हैं। आगे गवर्नमेंट का क्या नज़रिया रहता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए हैं और 8 तारीख को हरियाणा का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनती है वो किस हिसाब से फैसला लेती है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी दोबारा से इस मान्यता को अप्लाई किया जाएगा या सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के अंदर डीएलएड या जेबीटी का कोर्स चलेगा, तो ये आगे देखने वाली बात होगी। तो जो बच्चे पिछले एक डेढ़ साल से रुके हुए थे और जो अपना पीआरटी टीचर बनना चाहते थे, डीएलएड जेबीटी करना चाहते, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्द इस महीने के अंदर आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और कोई भी बच्चा अगर अपना एडमिशन लेना चाहता है तो वो बहुत जल्दी उसका फॉर्म निकल जाएगा और हरियाणा के अंदर बहुत सुचारू रूप से आप अपना जो है जेबीटी डीएलएड कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करूँगा इस छोटी सी वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है और काफ़ी बच्चों को ये पता भी नहीं था, काफ़ी बच्चे ये सोच बैठे थे कि सर हम लोग अब जेबीटी हरियाणा से नहीं कर पाएंगे और पिछले एक डेढ़ साल के अंदर एमपी के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उन्होंने मतलब बिना किसी समझे सोचे समझे वहाँ पर एडमिशन ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि हरियाणा में आगे बीएड नहीं हो पाएगी। स्टूडेंट का मानना भी बिल्कुल सही था, सोचना भी बिल्कुल सही था। तो गाइस उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा है, वीडियो कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना, थैंक यू सो मच।